प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। प्रॉब्लम्स तो है सब के साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ओम मित्राय नमः, रवये नमः, सूर्याय नमः, भानवे नमः, खगाय नमः, पूष्णे नमः, हिरण गर्भाय नमः, मरीचय नमः, आदित्य नमः, सवित्रे नमः, अर्काय नमः, भास्कराय नमः, आदिदेव नमस्तोभ्यं, प्रसिद्ध मम भास्कर दिवाकर नमस्तोभ्यं, प्रभाकर नमोस्तु ते। गुड मॉर्निंग बबीता जी। हाय, गुड मॉर्निंग जेठा जी। क्या बात है, सुबह सुबह कसरत कर रहे हैं? नो, जस्ट ब्रिस्क वॉकिंग। ओह सॉरी, मुझे लगा आप कसरत कर रहे हैं। ब्रिस्क वॉकिंग मतलब फास्ट चलने की एक्सरसाइज। अच्छा। लेकिन सोसाइटी कंपाउंड में? हाँ, वो गार्डन में अभी भी पानी दिया है ना, तो काफी गीला है। ओ, एक भी दिन आप अपने बॉडी का कसरत से छुट्टी नहीं देते? नहीं, नो वे। फिट रहने के लिए रोज कसरत करना बहुत जरूरी है। ओहो, कितना कुछ सीखने जैसा है आपसे बबीता जी। अरे चलिए, मैं भी एक अच्छा मुहूर्त देख कर आपके साथ कसरत करने आ जाऊंगा। अरे इसे मुहूर्त क्यों देखना है, आ जाइए अभी से शुरू करते हैं। अभी? हाँ। अभी मन तो बहुत कर रहा है लेकिन ना लिया ना, कल से पक्का आऊंगा। ओके, एज यू विश। ओके बाय, सी या। सर ये आपको डिस्टर्ब किया? अरे नो, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, बाय। बबीता जी भी कमाल है, रोज सुबह जल्दी उठना, ऊपर से रोज कसरत करना, गजब का मनोबल है बबीता जी का। वाह, आज मजे आ गया। अरे दया आई। हाँ, थैंक यू। और सॉरी आपको तकलीफ दे रही हूँ। अरे भाई, यस मैं टपूज के फादर। ओहो, इंग्लिश? यस। क्यों, आज क्या बात क्या है मेरा टपूस की मदर? बस वैसे टुडे तुम दिखिंग बहुत ब्यूटीफुल। थैंक यू मेंशन नॉट। वैसे टपूस के फादर सेम टू सेम है? मतलब टपूस के फादर टुडे आप दिखिंग ब्यूटीफुल। वाह, थैंक यू। टी वेर? टी टुडे नो है? मतलब टी टुडे नो मिलिंग। क्यों, क्यों, सुकम किस लिए? इंग्लिश प्लेज। अरे वो इंग्लिश नहीं, वो इंग्लिश को बुक करके चाय क्यों नहीं मिलेगी वो बता। अरे वो गैस स्टोव बिगड़ी। अरे दया तुझे पता है ना, मुझे सुबह सुबह चाय नहीं मिलती तो फिर सर दर्द हो जाता है। यस आई एम मालूम। राइट 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 राइट। अरे टपू, लेफ्ट 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 लेफ्ट। अरे क्या कर रहे टप्पू, टप्पू उतर उतर, एक मिनट बाबू जी उतर उतर। क्या कर रहे टप्पू, अभी तो छोटा बच्चा थोड़ी है। तेरा वजन देख, बापूजी का वजन देख, ये उम्र में बापूजी इतना वजन नहीं उठा सकते बेटा। अरे मुझे कोई वजन नहीं लग रहा था, मुझे तो मजा आ रहा था।
आपको मजा आ रहा था? हाँ तो, अरे कभी किसी दादा को अपने पोते का वजन लगा है? हैं? अरे हर दादा का सपना होता है कि वो उसके पोते के साथ रहे, खेले, मस्ती करे। अरे यही तो दादा के जीवन का असली सुख होता है। हाँ, और पोते का सबसे बड़ा सुख है उसके दादाजी के साथ खेलना। लेकिन जेठिया, दादा पोते का प्यार और दोस्ती वो सब तुझे अभी समझ में नहीं आएगा। जब तू खुद दादा बनेगा ना तब समझेगा। पापा, अब दादा कब बनोगे? बेटा जब तो मेरी शादी होगी ना तब। मतलब मेरी शादी होगी तब दादा बन जाओगे? हाँ। तो पापा मेरी शादी करवा दो ना। शादी करवा दो बड़े, पढ़ाई में ध्यान दे। चल नीचे उतर, नीचे उतर, चल। ए भाई ये जेठिया, सुबह सुबह गुस्सा क्यों हो रहा है? वो बापूजी अभी तक इन्हें चाय नहीं मिली है ना, इसलिए। अरे दो मिनट चाय देर से मिलेगी, इसमें इतना चिल्लाने का क्या? दो मिनट देर से नहीं बापूजी, आज चाय मिलेगी ही नहीं। गैस स्टोव बिगड़ गया है। मतलब चाय मिलेगी ही नहीं? चाय के बगैर तो सर दर्द हो जाएगा। देखा वर्षा गत है बापूजी, सॉरी लेकिन वो गैस स्टोव चालू ही नहीं हो रहा है। मैंने गैस स्टोव रिपेयर करने वाले भाई को बुलाया है। ओहो, कब रिपेयर करने वाला आएगा, कब वो रिपेयर करेगा, कब तू चाय बनाएगी और कब चाय पीने को मिलेगी? दादाजी एक काम कीजिए, वो नाके पे रजवाड़ी चाय वाला है ना, वहाँ पर चाय पी के आइए। हाँ बाबूजी, चलिए चलिए चलिए। अरे क्या चलिए, बस दो मिनट रुक जाइए, वो गैस स्टोव रिपेयर करने वाले भाई आते ही होंगे। गुड मॉर्निंग सेठ जी। भागा तू इधर? हाँ सेठ जी, मैं इधर। एक मिनट है सेठ जी। सुप्रभात बापूजी। वाह, सुप्रभात बागा। सुप्रभात बागा अंकल। सुप्रभात छोटे सेठ जी। सेठानी जी। सुप्रभात। सुप्रभात। वाह सेठानी जी, आप हमेशा हंसती हुई नजर आती हैं। और सेठ जी को हंसते हुए देखना, मतलब बिना मोबाइल के आदमी को ढूंढने जितना दुर्लभ है। ओ भाई, तू इधर क्या मेरे ऊपर निबंध बोलने आया है? सेठ जी, आप पे तो पूरी किताब लिखी जा सकती है। भाई तू अभी मेरी तारीफ के पुल बांधना बंद कर और ये बता, तू यहाँ कैसे आया? रिक्शा से। अरे कैसे मतलब क्यों? सेठ जी, कैसे का मतलब क्यों थोड़ी होता है, कैसे का मतलब कैसे ही होता है, क्यों का मतलब क्यों होता है। सॉरी भाई गलती हो गई, कैसे नहीं ये बता, क्यों क्यों आया है? टप्पू के पापा, मैंने ही बागा भाई को बुलाया। वो क्या है, गैस स्टोव बिगड़ गया ना, तो सुबह ही मैंने उनको फोन करके बता दिया कि आप गैस स्टोव रिपेयर करने वाले भाई को लेकर आइए। बागा, बागा भाई कहाँ है वो रिपेयर करने वाले भाई? सेठानी जी ये क्या, आपके सामने ही तो खड़ा है। तुझे स्टोव रिपेयर करने आता है? बापूजी, मैं तो ऑलराउंडर हूँ। टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, गैस स्टोव, गीजर, एरोप्लेन। मतलब खिलौने वाला एरोप्लेन। हाँ तो ठीक। कारपेंटरी, प्लम्बिंग, सब आता है मुझे। चल भाई अभी जो रिपेयर करने आया ना गैस स्टोव, वो रिपेयर कर जल्दी, चल। नहीं। क्या नहीं, तो फिर इधर आया क्यों? नहीं मतलब अभी नहीं। तो अभी नहीं तो कभी, स्पेशल मुहूर्त देख कर रिपेयर करेगा? बागा सेठ जी आप समझे नहीं, मैं गैस स्टोव रिपेयर करूंगा लेकिन आप सबको चाय पिलाने के बाद। अरे भाई चाय तो तभी बनेगी ना जब तू गैस स्टोव रिपेयर करेगा। सेठ जी, गैस स्टोव रिपेयर होने से पहले चाय बन जाएगी। बन जाएगी क्या, बन गई। ये देखिए मैं आप सबके लिए गर्मा गर्म चाय लेकर ही आया हूँ। तू चाय लेकर आए? वाह। आते आते गार्डन के पास जो चाय वाला चाय बेचता है ना, उसके पास से ले आया। अरे वाह, चाय वाला चाय भी बेचता है? क्योंकि मुझे पता है आप लोगों ने सुबह से चाय नहीं पी होगी और बिना चाय के
सेजी ट्रेन छुट्टी पैसेंजर की तरह बावरे हो रहे होंगे। कितना बोलता है तू? पापा, बागा भाई बेचारे हमारे लिए चाय लेकर आए, उनको थैंक यू बोलने के बजाय आप डांट रहे हैं। रहने दीजिए सेठानी जी, इसमें सेठ जी का कोई कसूर नहीं है। सेठ जी का कसूर सिर्फ इतना है कि वो सेठ जी है, क्योंकि दुनिया का दस्तूर है कि सेठ लोगों को होशियार स्टाफ की कदर ही नहीं होती है। हे भाई, मुझे तेरी बहुत कदर है, और अभी तूने ये जो होशियारी दिखाई है ये चाय लाकर, उसके लिए एक दिन मैं तुझे बहुत बड़ा मेडल दूंगा, कप के आकार का। चल अभी फटाफट तू चाय पिला, चाय पिला। हाँ, एक मिनट पकड़िए सेठ जी। हाँ, खोलिए, अब ये पकड़िए। हाँ, ये ले जी। माफ कीजिएगा सेठ जी, कप नहीं लाया, वो दे रहा था लेकिन मैंने लिए नहीं, प्लास्टिक के थे ना, प्लास्टिक से पर्यावरण दूषित होता है। सेठ जी, सेव अर्थ, धरती को बचाओ। वाह, अच्छा किया बागा भाई। बागा टपू के पापा लाइयो किटली, मैं चेक को प्रकाबी में डालकर लाती हूँ। एक मिनट, प्लास्टिक बागा। ये बागा भाई ने अच्छा किया, टप्पू के पापा को सुबह की चाय मिल जाएगी। मैं ले लीजिए बागा भाई। बापू जी, क्या हुआ सेठ जी, चाय गरम है? नहीं, चाय बकवास है। अरे चाय है क्या चाशनी? बकवास चाय है। एक काम करता हूँ सेठ जी, अभी जाके दूसरी चाय बनवा के लाता हूँ। अरे भाई, तो चाय छोड़ना, तो फटाफट गैस स्टोव रिपेयर करना भाई, तो रिपेयर हो जाएगा तो दया फटाफट चाय बना देगी। जी सेठानी जी, गैस स्टोव किचन में ही है ना? अरे गैस स्टोव तो किचन में ही होता है ना, बाथरूम में थोड़ी होता है भाई। ऐसी बात नहीं है सेठ जी, एक बार मेरी मौसी की लड़की गीता बेन, उनके यहाँ मैं गैस स्टोव रिपेयर करने गया था, तो उन्होंने अपना गैस स्टोव बालकनी में रखा था। बोलो। नहीं, हमारा गैस स्टोव बेचारा किचन छोड़ के कहीं जाता ही नहीं है, उसका किचन में बहुत मजा आता है। अरे भाई, तू जाने, लेके जाने इसको। अब टप्पू के पापा गैस स्टोव रिपेयर होते ही मैं फटाफट गर्म गर्म चाय लेकर आती हूँ। और सुन, चाय के साथ कुछ गरम गरम पराठा भी बनाते, बहुत भूख लगी है। आइए बागा भाई, चलिए। आइए बागा भाई। जी जी सेठानी जी। ये देखिए, स्टोव चालू ही नहीं हो रहा है। ओहो सेठानी जी, मैंने चेक कर लिया है, इसके पाइप में कचरा फंस गया है। अभी ये पाइप चेंज कर दूंगा तो गैस स्टोव फटाफट चालू हो जाएगा। ठीक है, आप जल्दी से कर दीजिए। हाँ जी। गैस स्टोव के पाइप में कचरा आ गया है, तो बागा भाई पाइप को बदली कर रहे हैं। पाइप बदली होते ही आप लोगों के लिए गर्मा गर्म चाय नाश्ता बनाती। अरे
मम्मी मुझे स्कूल के लिए बहुत लेट हो रहा है, मैं निकल रहा हूँ। लेकिन बेटे नाश्ता? अरे टप्पू से ना आज उनके टिफिन में से शेयर कर लूंगा। टप्पू बेटा थोड़ी देर रुक जाना, अभी बन जाएगा। अरे दया, टप्पू दुकान नहीं जा रहा है कि लेट जाएगा तो चलेगा, वो स्कूल जा रहा है। एक काम कर टप्पू, तो ये लग पैसा रख कुछ और स्कूल में से कुछ नाश्ता लेके खा लेना। ठीक है पापा, थैंक यू। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र मम्मी। जय जिनेन्द्र बेटा। जय जिनेन्द्र दादाजी। जय जिनेन्द्र। बाय बाय। संभल के बेटा। अच्छा सुन, तू बागा के स्वर पे जाके खड़ी रहे वरना वो बहुत टाइम लगाएगा। हाँ, हाँ। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते। हाय देव भाभी। हाय जीठा जी। हाय बबीता जी, आप हमारे घर पे सुबह सुबह? हाँ, वो दया भाभी ने फोन करके कहा कि आप लोगों का गैस स्टोव खराब हो गया है, तो मेरे पास एक सिंगल स्टोव था तो मैं ले आई। अरे दया, तूने बबीता जी को क्यों तकलीफ दी? मुझे बोल दिया होता, मैं उनके घर जाके इतने वजनदार चीज लेके आता। बबीता जी सॉरी, मैंने आपको तकलीफ दी। अरे इट्स ओके, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। दया, अभी वो बागा को जाके बोल कि अपना जो गैस स्टोव है आराम से रिपेयर करे, हैं? क्योंकि अभी बबीता जी का स्टोव आ गया स्पेशल, तो तू उसके ऊपर चाय और पराठे बना। बबीता जी, आज आप भी हमारे साथ नाश्ता कीजिए। हाँ हाँ, पराठे? हाँ। नहीं नहीं नहीं, मैं एक्चुअली ब्रेकफास्ट में सिर्फ फ्रूट्स खाती हूँ। हमारे जेठिया का भी ऐसा ही है, वो भी सुबह नाश्ते में सिर्फ पराठा फाफड़ा जलेबी यही सब खाता है। मैं चलती हूँ, मुझे आयर के लिए नाश्ता बनाना है। एक मिनट बबीता जी, मेरे जामनगर वाले मौसी है ना, उन्होंने मस्त मस्त बढ़िया चूड़िया भिजवाई है, तो थोड़ी आप लेकर जाइए। अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, थैंक यू सो मच। अरे आप चिंता मत कीजिए, बहुत सारी चूड़िया है। और देखिए, आप इतनी परेशानी उठाकर हमारे लिए स्टाव लेकर आए, तो मैं आपको खाली हाथ नहीं जाने दूंगी। अरे पापा, बिल्कुल बराबर बोल रही है दया, आपको लेनी ही पड़ेगी चूड़िया। चाचा लेके आ, लेके आ, लेके आपको लेके जाना पड़ेगा चूड़िया। सॉरी हाँ, मुझे पता नहीं था, बिल्कुल आइडिया नहीं था कि दया ने आपको फोन किया, वरना मैं आ जाता। ध्यान कहाँ था तेरा? अरे मैं जल्दी जल्दी में चूड़िया निकाल कर बबीता जी को देने के लिए गई तो। जेठिया, बहू को जल्दी से डॉक्टर हाथी के पास ले जा। चल 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 चल। नहीं नहीं बापूजी, ज्यादा नहीं लगा है, पर अब घिस लूंगी तो सब ठीक हो जाएगा। आप लोग बैठिए ना, मैं फटाफट चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे नहीं करना है नाश्ता। अरे एक दिन नाश्ता नहीं करेगा तो क्या पहाड़ टूट पड़ेगा? दया भाभी, पराठे मैं बना देती हूँ। नहीं नहीं बबीता जी। अरे क्या नहीं नहीं दया भाभी, अगर इस तरह से मेरे हाथ में चोट आई होती तो आप क्या मेरी मदद नहीं करते? हाँ करती ना। तो फिर चलिए आप किचन में चलिए, आइए आइए ना, इट्स ओके। ये बबीता जी और हमारे सभी पड़ोसी एक दूसरे की कितनी मदद करते हैं, नहीं बापू जी? हाँ, अरे इसीलिए तो कहते हैं ना जेठिया, पहलो सगो ते पड़ोसी। वाह, बबीता जी के गैस स्टोव पे मस्त पराठे बनेंगे। जीवन में जब उम्मीद की एक भी किरण की अपेक्षा नहीं हो, अचानक सूरज निकला है, तो क्या स्थिति होगी? वैसी खुशी मिली है मेरे मित्र जेठालाल को इस वक्त। भाई, परम मित्र को अपनी परम मित्र के हाथों से नाश्ता खाने को मिलेगा, भाई क्या बात है। जैसे हर रोज शेयर मार्केट डाउन नहीं हो सकता, जैसे हर रोज ट्रैफिक जाम नहीं हो सकता, ठीक उसी तरह हर रोज किस्मत खराब हो जेठालाल की, ऐसा तो नहीं हो सकता। आज किस्मत के साथ उनकी दोस्ती मुझे नजर आ रही है। अब देखना यह है कि किस्मत के साथ, अच्छे भाग्य साथ ये साझेदारी कितने देर तक चलती है जेठालाल की, क्योंकि इधर गुलाब के फूल जैसी बबीता जी का साथ है तो कांटे जैसा बागा भी। अब देखना यह है कि आज इनकी किस्मत में गुलाब लिखे हैं या कांटे। जेठालाल की किस्मत का दरवाजा खुलता है या बंद होता है, लेकिन आपके घरों में एक दरवाजा खुलेगा जिसमें से निकलेगी हंसी ही हंसी। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.